वेलकम टू हैशटैग रत्ना डिस्ट्रीब्यूटर, दिस इज निखिल। गाइज आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। गाइज आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक बहुत ही शानदार कैमरा, ट्रू व्यू का 4G प्लस वाईफाई कैमरा। इसका मतलब क्या है 4G प्लस वाईफाई? ये एक ऐसा कैमरा है गाइज जो सिम से भी काम करेगा, 4G सिम के थ्रू भी काम करेगा, 4G सिम भी चलेगी, 5G सिम भी आप डाल सकते हो। और दूसरा, 4G सिम के अलावा ये डायरेक्ट वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है, जैसे नॉर्मल कैमरे हमारे कनेक्ट होते हैं। मैं आज आपको इसके अंदर इसका अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा, और 4G सिम के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे और वाईफाई के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे, वो दोनों चीजें मैं आपको करके बताने वाला हूँ। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज हमें मिलता है। 4G वाईफाई रोबोट पेन टिल्ट कैमरा, एलेक्सा अनेबल है, एलेक्सा के थ्रू भी ये चलेगा। अंदर फीचर क्या क्या मिलते हैं, 4G प्लस वाईफाई, वायर फ्री कैमरा, पेन टिल्ट है, पूरा 360 डिग्री रोटेशन है, देन उसके बाद नाइट विजन इसके अंदर है ही है, ह्यूमन ट्रैकिंग सबके अंदर आती है, ह्यूमन ट्रैकिंग है, फुल डुप्लेक्स ऑडियो इंटरकॉम है, क्या बात हो रही है वो भी हमें पूरा सुनाई देगा और हम भी बोल सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है ही है, स्टोरेज 256 GB का स्टोरेज है इसके अंदर, जो हर ट्रू व्यू कैमरे के अंदर आता है, एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर देंगे तो नोटिफिकेशन आएगा। और ये सब बारकोड यूजर मैनुअल के दे रखे, ट्रू व्यू एप्लीकेशन के दे रखे, आईफोन के एप्लीकेशन का और पीसी सॉफ्टवेयर का, इन सब बारकोड से अपन वो चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। आइए गाइज अब हम इसे करते हैं ओपन और देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलता है। गाइज हमें इसके अंदर मिलता है एक ये थैंक यू कार्ड, देन गाइज हमने इसे किया ओपन, हमें मिलता है इसके अंदर एक ट्रू व्यू का बहुत ही शानदार कैमरा। ये कैमरे का जो मेगापिक्सल है गाइज वो मैं आपको बता दूं, ये कैमरा जो है वो 3 मेगापिक्सल का है, 3 मेगापिक्सल का कैमरा है ये। यहाँ पे मेंशन भी है जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 मेगापिक्सल आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे मेंशन है, ये जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मेगापिक्सल स्मार्ट 4G वाईफाई रोबोट पेन टिल्ट कैमरा। अब हमें एक साथ में मिलता है इसके चार्जर, एक हमें मिलता है कैमरा, कैमरा बहुत ही शानदार क्वालिटी का है, ट्रू व्यू करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर की लेंस लगा हुआ है, नीचे की तरफ आपको यहाँ रीसेट का एक बटन मिलता है जिससे आप इस बटन को दबा के कैमरे को रीसेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ सिम कार्ड डालने का ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे की तरफ मेमोरी कार्ड ऑप्शन दिया हुआ है, मेमोरी कार्ड 256 GB तक लग जाएगा, सिम कोई सी भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। हमें साथ में मिलते हैं स्क्रूज भी मिल जाते हैं, और एक हमें मिलता है इसका क्लिप जिसपे हम इसको कहीं पे भी लगा के इसको हैंग कर सकते हैं, ऐसे लगा के इसको रोटेट कर दिया, 2 स्क्रू यहाँ लग जाएंगे दीवार पे और डायरेक्ट हम टंगा सकते हैं। और एक हमें मिलता है ट्रू व्यू का QC पास सर्टिफिकेट कि किस दिन ये QC पास हुआ है। गाइस अब हम इसे करेंगे पावर से कनेक्शन। इसके अंदर हमें दे रखा है नॉर्मल DC पिन दे रखी है, जो एडेप्टर अपना है वो नॉर्मल DC 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडेप्टर है, जो कि नॉर्मली इजीली मार्केट में मिल जाता है, और आगे DC पिन दे रखी है, ये हमने लगाई कैमरे में DC पिन, और इसे करते हैं अब हम ऑन कर। ये जैसे चालू होते में आफ्टर 30 सेकंड ये एक बार रोटेट होता है पूरा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड अप एंड डाउन, इसका मतलब ये ऑन हो चुका है, और एक ब्लू कलर की लाइट इंडिकेट होती है कि वो डिवाइस ऑन हो गया है। आगे से हम इसको ये हटा देंगे ताकि कैमरे की लेंस की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं आपको इसको है ना वाईफाई से कनेक्ट करके बताऊंगा, आफ्टर दैट वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद मैं इसको सिम कार्ड से भी कनेक्ट करके बताऊंगा कि सिम से ये कैसे चलता है, ठीक है गाइस? गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपना मोबाइल, इसे हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, मोबाइल के अंदर हमें वाईफाई को ऑन करना है। वाईफाई को जैसे ही ऑन करेंगे इस कैमरे का उसके अंदर नाम आ जाएगा, इसका नाम आएगा IPC5CA, मतलब कैमरे का ये वाईफाई है जिसका पासवर्ड है 8x1, 8x हमें 1 इंसर्ट करना है, 1 2 3 4 5 6, 8x8 8x1, देन उसे हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो गया जैसे ही इससे, देन हमें क्या करना है, इस कैमरे के अंदर हमें जाएंगे और इसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है? ये अपन ने इसे कनेक्ट कर दिया। अब इसकी एप्लीकेशन का गाइज नाम है ट्रू क्लाउड करके आपको एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ट्रू क्लाउड एप्लीकेशन हम खोलेंगे, अभी आएगी यहाँ पे ट्रू क्लाउड एप्लीकेशन,
जैसे मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो डायरेक्ट मैं ट्रू क्लाउड पे ही चला जाता हूँ। और आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे मैं गया ट्रू क्लाउड के अंदर एप्लीकेशन में, ये की मैंने एप्लीकेशन ओपन, ओपन करने के बाद हमें करना है लोकल एक्सपीरियंस। लोकल एक्सपीरियंस के अंदर हम जाएंगे, इस कैमरे को ऐड करने के लिए प्लस करेंगे और इस कैमरे के पीछे एक बारकोड दे रखा है, उस बारकोड को हम स्कैन करेंगे। ये बारकोड को हमने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद इसमें आ जाएगा लॉग इन एंड यूज दिस फंक्शन स्टार्ट दिस फंक्शन। अगर आप चाहते हैं तो ट्रू क्लाउड को आप लॉग इन भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने इसके अंदर अपना आईडी पासवर्ड बना दिया, तो मैं इसे कंफर्म करके लॉग इन कर रहा हूँ और लॉग इन करने के बाद अपना इसके अंदर आईडी पासवर्ड डालूंगा तो वो भी इसको बारकोड को स्कैन करूंगा, वो भी पॉसिबल है और दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। गाइस लॉग इन, अब लॉग इन करने के बाद हम इसे करेंगे ऐड, वापस से हम करेंगे बारकोड स्कैन। ये बारकोड हो गया स्कैन, इसमें ये बता रहा है कि राउटर, मोबाइल और अपना कैमरा तीनों 2 मीटर की रेंज में ही होना चाहिए। तो अपना सब चीज सेम है, डिवाइस लाइट इज ब्लिंकिंग, डिवाइस की लाइट ब्लिंक हो रही है जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट किया, अब हमें इसे क्या करना है, कनेक्टिंग वाईफाई। अब हमें इसे करना है वाईफाई से कनेक्ट, ठीक है, नो वाईफाई कनेक्टेड। अब इसको अपन करेंगे वाईफाई से कनेक्ट, जो अपने यहाँ का वाईफाई है इस कैमरे का आईपीसी, वो जो पहले हमने कनेक्ट किया था वही चीज हमें इसे कनेक्ट करनी है। ये होगी ऑटोमेटिकली कनेक्ट। अब हमें जाना है प्लीज कनेक्ट वाईफाई इज द कैमरा हॉटस्पॉट प्लीज रीसेलेक्ट वाईफाई। अब इसके अंदर अपन जाएंगे चूज वाईफाई, जो हमारे यहाँ का लोकल इंटरनेट है उससे मैं इसको कनेक्ट करूंगा। लोकल इंटरनेट हमारा यहाँ पे है एयरटेल एक्सटीन 2.4G, ठीक है। अब मैं इसका पासवर्ड इसके अंदर इंसर्ट करूंगा, जो हमारा पासवर्ड है कनेक्ट। अब जैसे ये रोटेट होगा पूरा, जैसे ही 100% तक ये रोटेट हो गया पूरा कंप्लीट, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। हमें इंतजार करना है, ये थोड़ा कभी कभी टाइम लेता है 1 से 2 मिनट का प्रोसेसिंग में, क्योंकि ये वाईफाई से कैमरा पूरा कनेक्ट हो रहा है तो इट विल टेक सम टाइम। गाइस पेशेंस बना के रखिए, चालू है प्रोसेस। गाइस जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हो चुका है कनेक्ट, 100% हो गया है सक्सेसफुली। अब जैसे मैंने इसमें लिविंग रूम सेलेक्ट कर दिया, देन कंफर्म, देन इट विल ऐड डिवाइस सक्सेसफुली। ये बारकोड आप सेव रखो, किसी को भी सेंड करना हो तो हम ये बारकोड सेंड कर सकते हैं। ये कैमरा हमारा हो चुका है गाइज लाइव, बस अभी हम देख सकते हैं इसे जिधर मूव करना है। जैसे आपको राइट में मूव करना है तो राइट, और यहाँ पे अपन क्लैरिटी करते हैं फुल HD। ये फुल HD के अंदर अब चलेगा, फुल HD क्लैरिटी चालू। हमारा आवाज भी इसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। अब मुझे राइट घुमाना है तो मैं राइट घुमाऊंगा, लेफ्ट घुमाना है तो लेफ्ट, अप डाउन करना है तो अप डाउन भी कर सकता हूँ। ये हमारी शॉप है, ये हमने किया अप, नीचे की तरफ करना है तो नीचे की तरफ, मतलब पूरा 360 पेन टिल्ट ये कवर करेगा गाइस, ठीक है। अब हमें ये हो गया नॉर्मल अपना वाईफाई के थ्रू। अब अपन चाहते हैं इसको सिम कार्ड के थ्रू कनेक्ट करना, तो सिम कार्ड में भी आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस, खाली कार्ड डाल देना है। अब सिम कार्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, एरो बना के दिया हुआ है उस तरह से, और मोबाइल में कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने बारकोड को ऐड किया था ना, बस वो बारकोड ही ऐड करना है, वाईफाई ये कुछ भी ऑन नहीं करना है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। खाली सिम कार्ड लगाना है और मोबाइल के अंदर वो बारकोड को स्कैन करना है, ओटीपी के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। बस ये यहाँ पे हमें सिम कार्ड डालनी है ऊपर वाले स्लॉट में, नीचे मेमोरी कार्ड लगता है। सिम कार्ड डाला, उसके बाद ये बारकोड को स्कैन करना है ट्रू व्यू की ऐप डाउनलोड करके, प्लस के अंदर जाके सीधा जैसे ही ऐड करोगे ऑटोमेटिकली मोबाइल के अंदर लाइव हो जाएगा, ये चीज आनी चालू हो जाएगी। सिम आप कोई सी भी डाल सकते हो, वोडाफोन, जियो, आइडिया, BSNL सब 4G सिम सपोर्ट दिए करता है गाइस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइस जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।